हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अतुल चौहान। आज हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम है हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 11। टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg, मतलब यहाँ पे हमने क्या लिया, दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, दोनों का मास कितना है 1.5 kg, आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शंस। दोनों क्या है, सेम स्ट्रेट लाइन, दोनों बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, दोनों का मास सेम है बट दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। ओके, द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 meter per second। बिफोर द कॉलिजन, टकराने से पहले दोनों की वेलोसिटी कितनी है, 2.5 meter per second। बिफोर द कॉलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टूगेदर, ठीक है, ड्यूरिंग विच, देखिए 2.5 meter बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोलिजन। अब देखिए, टकराने से पहले तो इनकी 2.5 meter per second है, टकराने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे ये दोनों टकराते हैं और टकराने के बाद स्टिक कर जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, ठीक है। अब पूछा है, जब दोनों एक दूसरे स्टिक कर जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पे उनकी कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, दोनों का मास 1.5 kg है, ये मान लीजिए m1 है, ये मान लीजिए m2 है, इसका भी मास 1.5 kg है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, कितनी है वेलोसिटी इसकी, 2.5 meter per second, इसकी वेलोसिटी क्या है 2.5 meter per second। अब जब ये दोनों टकराते हैं, टकराने के बाद हिट करते हैं, हिट करने के बाद क्या होता है, ये कंबाइन वे में मूव करते हैं। अब पूछ रहे हैं कि कंबाइन होने के बाद मूव करते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, दोनों आए, टकराए, टकराने के बाद किसी कंबाइन वे में ये मूव कर रहे हैं तो पूछ रहा है कि इनकी वेलोसिटी क्या होगी। ओके, अब देख लीजिए यहाँ पर गिवन मास, देखिए यहाँ पे गिवन क्या क्या है, m1 कितना है 1.5 kg, उसकी वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर 2.5 meter per second, m2 जो है यहाँ पर आपका, उसकी मास कितना है 1.5 kg, वेलोसिटी कितनी है उसकी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, माइनस का 2.5 meter per second, माइनस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, इसे जूम कर देता हूँ, समझ रहे हो क्या आप, इसे मैंने माइनस इसलिए लिया है क्योंकि ये जो है, देखिए ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी वजह से इसकी जो वेलोसिटी है वो हमने माइनस में ली है। अब हमने निकाला टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले इसका टोटल मोमेंटम क्या होगा इन दोनों बॉडी का, तो मोमेंटम बराबर क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, इसका मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी और इसका मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, दोनों को ऐड कर देंगे m1 u1 + m2 u2, तो m1 लिख दिया, u1 लिख दिया, m2 u2, दोनों को यहाँ पे रखोगे, देखिए यहाँ पे u2 की वैल्यू माइनस में है तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी वैल्यू निकल के आएगी ये मोमेंटम पहली बॉडी का माइनस ये मोमेंटम दूसरी बॉडी का, दोनों सेम है, इनकी कंबाइन मोमेंटम क्या आ गया यहाँ पे, जीरो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट होगी, यूनिट लिखना ना भूलें। ओके, देखिए आगे क्या हुआ, यहाँ पे आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पे कंबाइन हो गए, कंबाइन होने के बाद ये मान लीजिए अगर किसी वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और यही वी वेलोसिटी यहाँ पे पूछी भी जा रही है, तो हमने जब टोटल मास कितना हो जाएगा आफ्टर कम्बिनेशन m1 + m2, दोनों को जोड़ दिया यहाँ पे कितना आ गया 3 kg। अब यहाँ टकराने के बाद दोनों स्टिक कर गए, दूसरे से चिपक गए और यहाँ पे मूव कर रहे हैं, मान लीजिए वी वेलोसिटी से मूव करें तो वी हो गया। अब हमें बताएं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और मैंने ये लिख दिया, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना था 0, अभी हमने फाइंड आउट किया, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना हो जाएगा, इसका मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, 0 बराबर मास कितना आ गया आपका 3 और इनटू वेलोसिटी आ गई वी, तो यहाँ वी बराबर क्या हो जाएगा 0/3 = 0 meter per second, इसका मतलब यहाँ पर ये है, देखिए प्रैक्टिकली देखिए दोनों जो ये बॉल्स थी दोनों क्या हुआ सेम वेलोसिटी से आ रही थी, सेम मास था, दोनों जब आएंगी टकराएंगी, टकराने के बाद क्या होगा स्टिक भी करेंगी तो क्या होगा, दोनों सेम वेलोसिटी से आ रही थी और टकराने के बाद क्या होगी वो वहीं पे रुक गई,
यहाँ पर यही बता रहा है कि जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, मतलब टकराने के बाद ये दोनों बॉडी रुक जाएंगी, क्योंकि ये वी क्या आ रहा है, जीरो, ठीक है। तो ये दोनों आई, टकराई और टकराने के बाद वहीं पे रुक गई। हुआ है एक्चुअली क्यों ऐसा, क्योंकि देखिए दोनों की वेलोसिटी सेम थी और अपोजिट डायरेक्शन में थी, दोनों का मास सेम था, तो जैसे दोनों टकराएंगी दोनों के दोनों वहीं पे रुक जाएंगी। ये हमने निकाल भी दिया, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी क्या आ गई, जीरो, ओके, जीरो मीटर पर सेकेंड। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।